वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा एंड मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू टू हाउ टू अप्लाई हाइलाइटर। हाइलाइटर हम क्यों अप्लाई करते हैं? बिना हाइलाइटर के क्या माना जाता है यार? नहीं, बिना हाइलाइटर के जैसे आप देख सकते हो मेरा फेस इस समय बिल्कुल मैट है, मतलब मैंने हाइलाइटर यूज नहीं किया हुआ है। तो जिनको मैट फिनिश लुक अच्छा लगता है तो उनके लिए तो यू नो चल जाता, आप हाइलाइटर मत अप्लाई करो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यू नो आजकल तो सेल्फी का जमाना है यार, लोग बात बात पे कुटुक 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 सेल्फी लेते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी डियर, सेल्फी हो या पिक हो या आपकी फोटोग्राफी हो रही हो, वहां पे हाइलाइटर लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें आपकी जो नो यू नो जब आप हाइलाइटर लगाते हो तो आपका फेस ग्लो करता है, आपका फेस इंस्टेंट फ्रेश लगता है। हर समय तो ऐसा है नहीं कि हर समय आपका फेस ग्लो करे, तो कुछ तो यू नो कुदरती चीज कुछ होती है और कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी होती है जो हम लोगों को अप्लाई करनी होती है फॉर यू नो ग्लोइंग शोइंग फ्रेश लुक के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाया जाता है और हाइलाइटर को आप अपने फेस के किस किस पॉइंट पे लगाते हैं, हाइलाइटर कितने तरीके के होते हैं, जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। बट आई हैव अ हार्डली एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी ब्यूटीफुल लेडीज कि प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप कर दीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो प्लीज 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 डियर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आई नीड योर सपोर्ट सो वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हाइलाइटर हम क्यों यूज करते हैं? तो हाइलाइटर हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हमारा फेस ग्लोई दिखे, हमारा फेस फ्रेश लगे। हाइलाइटर 3 से 4 तरीके के आते हैं डियर। एक आता है हाइलाइटर जो पाउडर फॉर्म में होता है, एक आता है हाइलाइटर जो स्टिक फॉर्म में होता है, जैसे कि वेट एंड वाइल्ड के स्टिक फॉर्म आते हैं हाइलाइटर, और एक हाइलाइटर आता है डियर जो इल्यूमिनेटिंग होता है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो 3 तरीके के हाइलाइटर होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो जो इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर होता है डियर, वो आप फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका पूरा फेस ग्लोई लगता है, पूरा फेस ब्यूटीफुल लगता है। एंड ट्रस्ट मी डियर, बहुत ही धांसू वाला लुक आता है, बहुत ही धांसू वाला लुक। सो डियर, हाइलाइटर आप ले सकते हो, इन कलर का भी बहुत अच्छा है जो बेक्ड हाइलाइटर है, एंड मेबलिन का जो यू नो स्ट्रॉप हाइलाइटर है वो तो बिल्कुल यू नो बॉम है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको यूज करते हैं। डियर मेरे पास नहीं है, सॉरी मेरे पास तो नहीं है वो, मेरे पास भी है पुअर चैप, मेरे पास एक यही है जो कि है इन कलर का हाइलाइटर, जो कि जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि पुअर चैप मेरे पास एक यही हाइलाइटर है ले देके, और इसी को मैं यूज करती हूँ। होता क्या डियर, हाइलाइटर जो होता है वो बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है, और मुझे अभी ऐसे मतलब जरूरत नहीं लग रही है कि मैं किसी कोई और हाइलाइटर लूं। इन फ्यूचर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और मेरा चैनल ग्रो किया एंड कुछ अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं लूंगी, बट मैं अभी तो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास एक यही है, अगर आप लेना चाहो तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। इसको मैंने 1 से 1.5 साल पहले कफ्स एंड लैशेस से लिया था, एंड डियर ये बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइटर है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5 शेड्स मिल जाते हैं, 5 शेड्स मिल जाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 शेड्स मिल जाते हैं। आप हाइलाइटर को अगर आप 5 शेड्स के हाइलाइटर लेते हैं तो इसके आपके डबल फायदे होते हैं। डबल फायदे ये होते हैं कि आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो और आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी डियर, अगर आपको आई शेडो लगाना नहीं आता है बट You want something, you know, extra on your face, you want to pop up your eyes, तो आप क्या कर सकते हो, खाली आप एक रिंग फिंगर की हेल्प से, इस वाली फिंगर की हेल्प से जो भी शेड आपको अच्छा लग रहा हो आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी डियर, यू आर रेडी टू गो, आप बहुत ही ज्यादा क्लासी और बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने वाले हो। सो डियर, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हाइलाइटर कैसे और कहाँ कहाँ लगाया जाता है आपको अपने फेस पे। वैसे ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो कर चुकी हूँ बट मैं फिर से ये वाला वीडियो
शूट कर रही हूँ क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। और अगर मेरी प्यारी सी स्वीट सी सब्सक्राइबर जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी शालिनी शर्मा, अगर वो ये देख रही हैं तो डेफिनेटली उनको मैं उनकी जो क्यूरी है उनकी जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल गया होगा। सो डियर, इसके लिए आपको यूज करना है, जब आप हाईलाइटर यूज कर रहे हो, डेफिनेटली आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो दूसरी बात सबसे जरूरी ये होती है कि जो मेकअप प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके साथ आप टूल्स क्या यूज कर रहे हो, राइट? कि अगर आप उसके साथ टूल्स अच्छा यूज कर रहे हैं तो जो मेकअप प्रोडक्ट है वो आपके फेस पे रिजल्ट एक्सीलेंट देता है, एक्सीलेंट वाला रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर रही हूँ, ये वाला हाइलाइटर, और इसके साथ हमेशा आपको एक फैन ब्रश यूज करना है क्योंकि हाइलाइटर के साथ जो फैन ब्रश है वही काम करता है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये वाला फैन ब्रश जो कि मैंने बहुत पहले लिया था, ऑनलाइन लिया था, आई थिंक दैट फ्लिपकार्ट से लिया था या फिर पर्पल से लिया था। अगर इसके लिंक मिलेगी तो मैं नीचे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। तो जो लोग डस्की स्किन टोन के हैं, जो लोग डार्क स्किन टोन या डस्की स्किन टोन पे हैं, उनके लिए ये वाला शेड डियर परफेक्ट होता है, ये वाला शेड परफेक्ट होता है। जो लोग बहुत ही फेयर स्किन टोन पे हैं, जैसे मैं तो बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन पे नहीं हूँ बट ठीक ठीक हूँ, तो मैं ये दोनों शेड मिक्स करके लगाती हूँ। गोल्डन शेड में ज्यादातर एज अ आई शेडो यूज करती हूँ, एंड ये जो कॉपर शेड है इसको भी मैं आई शेडो में ही यूज करती हूँ, ट्रस्ट मी डियर बहुत ही अच्छा वाला लुक आता है। तो डियर मैं आज आपको बताती हूँ कि हाइलाइटर आपको कहाँ कहाँ यूज करना होता है। हाइलाइटर आपको यूज करना होता है वहां वहां जहाँ आपके जो फेस होते हैं वो जहां जहां उभार होता है आपके फेस पे वहां हाइलाइटर यूज करना होता है, जैसे ये नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, ये चीज आपकी जो होती है क्या नाम है, चीक बोन्स होते हैं यहाँ पे भी उभार होता है, एंड ये यहाँ पे चिन पे, यहाँ पे और फोरहेड पे, यहाँ पे तो मेन किया जाता है। उसके बाद आप इसको इनर कॉर्नर पे भी यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी आईज ओपन अप रहे, अपनी ब्रो बोन के नीचे कर सकते हो जिससे आपकी जो आईब्रो है वो भी ज्यादा हाईलाइटेड लगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी तो मैंने अपने फेस में बिल्कुल मैट फिनिश है और अभी मैं आपके सामने हाइलाइटर यूज करूंगी और आप देखना कितना इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा मेरे फेस पे। तो मैं ये और ये वाला शेड यूज करूंगी, इन दोनों शेड को मिक्स करके। और एक्स्ट्रा आपको हमेशा जो भी आप पाउडरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और डियर गर्मी में ज्यादातर पाउडरी प्रोडक्ट ही यूज करिए क्योंकि अगर आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, सब बह जाएगा, आपका मेकअप तो बेकार हो जाएगा। सो डियर हमेशा पाउडर प्रोडक्ट यूज करिए और एक्सेस जो है उसको दो बार टैप कर दीजिए तो जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, तो इससे आपका जो मेकअप होगा वो एक्स्ट्रा भी नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ, सबसे पहले ब्रिज ऑफ द नोज पे इस तरीके से, आप देख सकते हो तुरंत चमचम। और नेक्स्ट मैं इसको यूज करूंगी अपने चीक बोन्स पे, एज यू कैन सी इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। अच्छा फैन ब्रश क्यों यूज करते हैं, फैन ब्रश मैं क्यों यूज करूं, मैं कोई कॉन्ट्रो ब्रश भी तो यूज कर सकती हूँ, नहीं। फैन ब्रश इसलिए यूज किया जाता है डियर क्योंकि जो इसके विसल्स होते हैं, सॉरी आप देख सकते हो ये स्प्रेड होते हैं, तो आपका एक साथ आपकी जो स्किन पे एक साथ ये लग जाता है, कुछ भी अटपटा सा नहीं लगता, एक साथ स्प्रेड हो जाता है, वरना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज का एक रीजन होता है, इसलिए फैन ब्रश की हेल्प से ही हमेशा अप्लाई करना चाहिए और इस तरीके से लेके एक्सेस हटा के आपको अपने चीक बोन पे इस तरीके से लगा लेना है, और आपको लगाना है चिन पे, और आपको लगाना है अपने फोरहेड पे जिससे वो भी शाइनिंग करे, और आपको लगाना है अपने ब्रो बोन पे, इससे आपकी जो आईब्रो है वो पॉप अप होती है, हाईलाइट होती है, एंड इसको बोलते हैं क्यूपिड बो, जो आपकी जो लिप्स के जो एक्स शेप आता है उसको बोलते हैं क्यूपिड बो, इसको तो इस पे भी हल्का सा आपको लगा लेना है।
दैट्स इट। अगर आपको ज्यादा हाईलाइटर आपको लग रहा है रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हाईलाइटर कम है आपको और लगाना है तो डेफिनेटली आप 1-2-2 कोट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इट्स इनफ सही है। और आप इनर कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो मेरी आईज तुरंत ओपन अप लगने लगी इस तरीके से। सो डियर, ये था मेरा आज का वीडियो कि हाइलाइटर क्यों लगाते हैं, हाइलाइटर हम कहाँ लगाते हैं, कितने तरीके के हाइलाइटर होते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय हाइलाइटर, तो मेरे हिसाब से तो हाइलाइटर सबके पास होना ही होना चाहिए क्योंकि यू नो फोटोशूट बड़ी अच्छी आती है एंड बहुत फ्रेश लुक आता है। सो डियर, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज 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 आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप कर दीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो प्लीज 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 डियर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये टोटली फ्री है, आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा, बट इट मीन्स मी अ लॉट। वही है ना, मेहनत हमारी बट रिजल्ट आपके हाथ में। सो प्लीज निराश मत करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।